नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो। कुछ दिनों से एक लड़की जो कि एक स्टूडेंट है और खुद को आदिवासी बताती है और कहती है कि हमको कलेक्टर बना दो। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो। हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। इस बच्चे का वीडियो तो आपने देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो के पीछे की कहानी नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरी कहानी परत दर परत खोलते हैं और पूरी हकीकत आपको बताते हैं। दो दिन पहले एक मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें आपने एक बच्ची को कहते सुना था, हमको कलेक्टर बना दो, हम कलेक्टर बनने को तैयार हैं और हम सबकी मांगे पूरी कर देंगे। ये वीडियो NSUI के एक प्रदर्शन के दौरान बनाया गया था। अब ये बच्ची कौन है और आखिर कलेक्टर बनने की बात क्यों कर रही है और ये कौन सी मांगे पूरी करने को कह रही है, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। वीडियो में खुद को कलेक्टर बनाने को कहने वाली लड़की का नाम है निर्मला चौहान और अलीराजपुर के खांडला गांव की रहने वाली है। इस समय निर्मला BA फर्स्ट ईयर में है। खुद को आदिवासी बताने वाली लड़की आदिवासी छात्रों के साथ मिलकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा को ज्ञापन देने आई थी, लेकिन कलेक्टर वहां ज्ञापन के लिए नहीं पहुंचे और स्टूडेंट्स को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। उसके बाद बच्चों का सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने मिलकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस समय निर्मला नाम की बच्ची का नारेबाजी करते हुए वीडियो वायरल हो गया और इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। वीडियो में बच्ची कहते हुए दिखाई दे रही है, नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो। हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको निकाब कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते हैं। ये तो थी बच्ची द्वारा कही गई बातें। अब जानते हैं क्या है वीडियो की सच्चाई। दरअसल बच्ची कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपने कुछ साथियों के साथ खड़ी है और सभी ने हाथों में झंडे लिए थे, लेकिन इन्हें कार्यालय में जाने नहीं दिया गया। पुलिस किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बुधवार को PG कॉलेज के छात्र और छात्रा NSUI की अगुवाई में अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा से मिलने पहुंचे, लेकिन बच्चों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद बच्चों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। धूप में खड़े भूखे प्यासे बच्चे बार बार कलेक्टर से मिलने की बात कर रहे थे। तब पता चलेगा हमारी परेशानी क्या है। निर्मला के तीखे स्वर में कही गई ये बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। निर्मला के इस वीडियो को कुछ लोग चुनाव से जोड़ रहे हैं और उसके तीखे स्वर वाले तेवरों को राजनीतिक दलों ने हाथों हाथ लपक लिया है। वहीं NSUI ने तो इसे झाबुआ जिले का महासचिव घोषित कर दिया है। कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी, तो कांग्रेस के नेता भी सोशल मीडिया पर निर्मला के तेवरों को प्रियंका गांधी के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती से जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे। और वहीं जेएस के प्रवक्ता डॉक्टर आनंद ने बच्ची के हौसले और उसकी दबंग स्टाइल की काफी सराहना करते हुए कहा, बच्ची ने जिस तरीके से अपनी बात रखी वह काबिले तारीफ है। बसों में पूरा किराया लग रहा है और उन्हें किराए में छूट नहीं दी जा रही। हालांकि पहले सरकार झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी इलाकों में छात्रों का किराया भरती थी, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे वहां के छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर निर्मला UPSC की तैयारी करेगी तो मैं उसका पूरा खर्च उठाने को तैयार हूं। इससे वह जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहेगी उससे कर सकेगी। मीडिया से बात करने पर क्या बोली निर्मला? निर्मला एक किसान की बेटी है जो कि अपने साथियों के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, और उसे गुस्सा क्यों आया इसके बारे में उसने झाबुआ के मीडिया वालों से बात करते हुए कहा। निर्मला ने बताया, हम सुबह से आए थे और 2-3 घंटे से धूप में बाहर खड़े थे, हमारी कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए गुस्से में मैंने बोल दिया। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी कोई हमारी सुन नहीं रहा तो किस काम की है सरकार, किस लिए बनी है सरकार? जब निर्मला से पूछा गया, आप कलेक्टर बन गई तो क्या करोगी, जवाब में उसने कहा, अगर मैं कलेक्टर बनी तो गांव से आई लड़कियों को 5 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं होने देती, सबसे पहले इनकी बातें सुनती, इनकी मांगों को पूरा करती। लेकिन यहां निर्मला का मकसद केवल कलेक्टर तक आदिवासियों की समस्याओं को पहुंचाना था। निर्मला जो कि कल तक एक साधारण बच्ची थी, वो देखते ही देखते खास बन गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।